होने वाली है। आज की वीडियो में हम दिखाएंगे जो हमने दो दिन पहले बल्क अनबॉक्सिंग किए थे, हेडलाइट के फीनिक्स कंपनी में एक एलईडी वाला था और एक नॉर्मल बल्ब था हैलोजन। तो दोनों की हम आपको आज प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि कैसी रोशनी है, क्योंकि उस वीडियो में आपने काफी सारा प्यार भी दिया, बहुत सारी कमेंट्स भी करी है कि सर हमें इसकी प्रैक्टिकली वीडियो दिखाई, रोशनी कैसी है वीडियो दिखाई। तो मैंने सोचा यार इस बात में देरी नहीं, मतलब इस आपकी इस ये जो रिक्वायरमेंट है ना, इसमें जल्दी से जल्दी हम इसे फुलफिल करते हैं, इसमें देरी नहीं कर सकते क्योंकि ये मैं जल्दी जल्दी कर सकता हूँ। तो इसलिए सोचा कि आज करते हैं। तो ये दोनों बल्ब है मेरे पास, एक हमारा हैलोजन है जो कि हाई पावर वाला है, सुपर डुपर हेडलाइट वाला, और एक उससे भी ज्यादा सुपर डुपर हेडलाइट वाला एलईडी बल्ब है फीनिक्स का, जिनकी दोनों में अनबॉक्सिंग दिखा चुका हूँ वीडियो पे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करिए, मैंने वीडियो का दे दिया, आई बटन में भी मिल जाएगा एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा, आप वीडियो को देखिए। और फिर इस वीडियो में मैं आपको इसकी रोशनी दिखाऊंगा और इसकी फिटिंग दिखाऊंगा कि कितनी सिंपल इसकी फिटिंग है, इसमें कोई कारिस्तानी या कोई भी इसमें ऐसा चमत्कार नहीं है कि मतलब आपको ये सोचना पड़े यार कैसे लगाएंगे, एसी क्या है, डीसी है, ये है, फिटिंग कुछ भी नहीं है, सिंपल सा फंडा है, एक सेकंड में आप सीख जाओगे, कुछ नहीं है। स्प्लेंडर बाइक है, सबसे ज्यादा इंडिया की रनिंग अवार्ड विनिंग बाइक है। इसी के अंदर दिखाएंगे आपको कि आजकल मतलब 90% लोगों पे स्प्लेंडर है और यही यूज करते हैं लोग, तो इसी बाइक के अंदर इसकी फिटिंग दिखाएंगे दोनों बल्ब की और कितना इजी फिटिंग है ये भी दिखाएंगे। तो ज्यादा देर नहीं करते और ज्यादा फोटोज में खाते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं आपको इसकी फिटिंग। तो चलो भाई राहुल भाई हमारे आ जाओ फटाफट से, हमारे सीनियर मैकेनिक है राहुल भाई, उनसे तो आप मिले होंगे कई वीडियो में, आपने देखा होगा राजवीर सर की वीडियो में, नहीं देखा है तो आज देख लो राहुल जी को, जल्दी से इसको खोलिए और दिखाते हैं आपको इसकी फिटिंग फटाफट से, कैसी फिटिंग है इसकी और कैसे ये फिट होगा और कैसी इसकी रोशनी है। सबसे पहले हम नॉर्मल बल्ब को लेंगे, उसके बाद हम एलईडी बल्ब को लेंगे। तो फटाफट से इसको खोल लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो जल्दी से ही हमारा देखिए, एक सेकंड भी नहीं लगा यार खोलने में, इतनी मतलब इतना इजी फिट है स्प्लेंडर में तो यार, और सबके पास स्प्लेंडर ही होती है। तो वाइजर के दो बोल्ट खोलने होते हैं यहाँ से, वाइजर बाहर, मतलब आप इसे प्रैक्टिकल घर पे भी लगा सकते हो। अगर ये बल्ब आप कहीं से खरीदते हो ना तो आपको मुझे लगता नहीं मैकेनिक के पास या टेक्नीशियन के पास जाने की जरूरत है, आप इस वीडियो को देख के खुद सेल्फ खोल सकते हो इसे। तो ये हमने खोल लिया है और यहाँ से दो बोल्ट ओवर है, एक लेफ्ट में एक राइट में हेडलाइट के बल्ब बोल्ट है, उसे खोलते ही हेडलाइट का मतलब निकालो और बल्ब लगा, जब तक मैं बल्ब को ऑफ कर लेता हूँ पैकिंग से। तो बल्ब को मैंने बताया हुआ है कि पकड़ने का सिस्टम जो होता है होल्डर से पकड़ना पड़ता है, आप कांच से नहीं पकड़ना। तो ये बल्ब मिल चुका है, तो कितनी देर में मिल जाएगा भाई साहब, ये खुलने वाला लग रहा है, ओके खुल गई हेडलाइट खुल गई, चलो देख रहे हैं आप, एक सेकंड। अब आपके सामने आपने अगर नोट किया होगा वीडियो में तो एक ही मिनट लगाओ, एक मिनट में वीडियो हेडलाइट खुल गई है, जैसा कि मैंने बोला था आपको। इसमें कौन सी हेडलाइट है सर? लुमैक्स की हेडलाइट। तो ये जो हेडलाइट है ना, ये भी लुमैक्स की कंपनी फिटेड है, ये डली नहीं है, इसमें कंपनी फिटेड हेडलाइट लुमैक्स की निकली है, जिसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना भी चुका हूँ कि जो हीरो की जेनुइन स्प्लेंडर हेडलाइट होती है वो लुमैक्स की निकलती है। मिंटा थोड़ी सी सस्ती पड़ती है, मतलब 290 रुपए की मिंटा है और 390 रुपए की एक लुमैक्स है, तो 100 रुपए बचाने हैं तो मिंटा यूज कर लीजिए और पैसे की टेंशन नहीं है तो फिर लुमैक्स जिंदाबाद। तो ये बल्ब आ गया हमारे हाथ में जो गाड़ी के अंदर पुराना था, इत्तेफाक से ये भी फीनिक्स है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये देखो आपके सामने हमने इस बल्ब को निकाला है और ये देखिए, देखिए फीनिक्स का ये भी फीनिक्स है और ये देख लेते हैं ये क्या है। तो ये 35 वॉट का बल्ब है जिसकी मैंने वीडियो बनाई हुई थी 35 वॉट, और ये हम डाल रहे हैं इसमें करीब 45 वॉट का, देख लिया आपने। तो ये 45 वॉट का बल्ब हम डालने वाले हैं इसमें और देखेंगे इसकी रोशनी कैसी है। तो उस पर इसे यहाँ दीजिए और इसे फिट करिए फटाफट से, देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है, इसकी रोशनी की क्वालिटी फटाफट से फिट करिए। बस आप हेडलाइट को कनेक्ट मत करना, अभी बैक मत करना क्योंकि एक और बल्ब की अनबॉक्सिंग देखनी है हमें, तो इसे रख देते साइड में। और इस बल्ब की हमें फिटिंग आपको देखनी है तो बस ऐसे ही लगा देना, दो वोल्ट पे अटका देना और लाइटें बंद करो सारी जितनी भी है, हमें रोशनी चेक करनी है भाई। ये लाइट क्यों चालू है? तो हमारा एक बल्ब फिट हो चुका है, जो हैलोजन है सुपर वाला हैलोजन था जो 45 वॉट वाला हैलोजन था वो फिट हो गया, उसकी रोशनी हम चेक करने वाले हैं बस। तो स्टार्ट कर दिए हमने भाई सारी लाइट बंद करो सारी, तो देखिए रोशनी देख लीजिए इसकी। तो एक बार हेडलाइट को बंद करो दोबारा से, पूरी हेडलाइट बंद करो,
देखिए भाइयों सामने अंधेरा है, अब हेडलाइट चालू करो, अब देखिए सामने उजाला हो गया, अब डिपर चालू करो, अब देखिए हाई बीम लो बीम चेक कराओ, ये देख लीजिए, तो ये इसकी जो है मतलब रोशनी है। अब इसे बंद कर दो, ठीक है वापस आते हैं, लाइटें ऑन करो, सारी लाइट्स ऑन, बंद करो। तो इस बल्ब की रोशनी आपने देख ली होगी कैसी रोशनी है, देखो मैंने अभी प्रैक्टिकल देखा काफी अच्छी रोशनी है, नॉर्मल बल्ब से अच्छी रोशनी है। तो अब फटाफट से हम चेंज करते हैं इस बल्ब को और निकालते हैं अपने एलईडी बल्ब को लगाते हैं और फिर एलईडी बल्ब की रोशनी दिखाते हैं आपको कि कैसी है। तो जल्दी से रहो इस बल्ब को निकालो वापस और दो मुझे। तो इसे हम निकालते हैं पैकिंग से बाहर फटाफट से और ये हमारे हाथ में एलईडी बल्ब को भी साइड रखते हैं और इस बल्ब को हमें देखो काफी केयरफुली पकड़ना पड़ेगा। तो चलिए ये बल्ब हो चुका है फिट, इसे भी अब ऑन करते हैं भाई, देखते हैं। चलो लाइट्स ऑफ कर दो एक बंदा और आप हेडलाइट ऑन करो। तो भाई जैसा आपने देखा अभी हमने जो नॉर्मल वाला हैलोजन बल्ब है उसे लगाया तो रोशनी एकदम ठीक है, सब कुछ बढ़िया आराम से ऑन ऑफ हो रहा है ठीक है, बट जैसे ही एलईडी बल्ब को लगाया उसके अंदर बैटरी का जो करंट है उसका इश्यू आया, वो बैटरी से डायरेक्ट चलेगा, बिना डायरेक्ट के नहीं चलेगा, या फिर उनमें चलेगा गाड़ियों में जिन गाड़ियों के अंदर डायरेक्ट कंट्रोल स्विच से जो गाड़ी यहाँ से और किल स्विच से जिसकी हेडलाइट डायरेक्ट होती है ना बैटरी से जो डायरेक्ट होती है उस गाड़ी के अंदर जो है वो बल्ब डायरेक्ट काम कर जाएगा। अदरवाइज नॉर्मल स्प्लेंडर के लिए उसे अगर आपको यूज करना है तो उसके लिए आपको उसकी वायरिंग जो है डायरेक्ट बैटरी के थ्रू करनी पड़ेगी। तो अभी हमने बैटरी के थ्रू उसकी वायरिंग करके इसे कनेक्ट कर दिया है, डायरेक्ट हेडलाइट की जो बल्ब की वायरिंग है उसे हमने डायरेक्ट बैटरी से कर दिया और हम इसे आपको चालू करके इसकी रोशनी दिखाते हैं। तो लाइटें बंद करेंगे हम सारी फटाफट से और इसकी रोशनी दिखाएंगे भाई, फटाफट से लाइटें बंद करो और आप इसको स्टार्ट करो, मैं आपको रोशनी दिखाता हूँ टर्न करके अंधेरे में। अब लाइट चालू करो तो देख लीजिए भाई, अब डिपर, ये हाई बीम और लो बीम, ये तो इसकी रोशनी काफ़ी अच्छी है। तो अब इसे ठीक है लाइट बंद कर दो, ऑफ कर दो। तो भाइयों जैसा आपने देखा वीडियो के अंदर मैंने आपको कैसे तैसे वीडियो बना के दे दी है यार, इस वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आपकी और भी कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। बाकी यार मेरा तो जो चैनल है वो अनबॉक्सिंग से रिलेटेड है बट आपकी रिक्वायरमेंट पे मैंने आपको कैसे तैसे ये वीडियो बना के दिए, अब जैसी भी हो आप देख लेना, अगर वीडियो में कोई कमी पेशी रह गई हो तो यार माफ करना भाई। नॉर्मल जो हैलोजन बल्ब था 45 वाट का वो डायरेक्ट आपका नॉर्मली बल्ब से बस आपको निकालना है और उसे लगाना है वो काम करेगा, बट जो एलईडी बल्ब है वो हमेशा डीसी लाइट पे ही काम करता है, एसी लाइट पे कभी काम नहीं करता। तो उसको हमें कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्ट बैटरी से अपना मतलब कनेक्ट करना पड़ता है, इसलिए उसे बैटरी से कनेक्ट करने के बाद हमने चलाया तो वो ओके हो गया और रोशनी ऑलमोस्ट देखा जाए तो दोनों बल्ब की ठीक है। एलईडी जिस हिसाब से वो है, जिस हिसाब से उसकी प्राइसिंग और वो इंडियन है, सबसे बड़ी बात यह कि चाइनीज नहीं है, इंडियन है, ब्रांड है, तो उस हिसाब से अच्छी रोशनी है। और जो हमारा सस्ता वाला बल्ब था जो 175 समथिंग है उसकी रोशनी भी उस प्राइस में बहुत अच्छी है, अवॉर्ड कर सकते हैं आप उसे। बाकी अगर आपको वीडियो में कोई छोटा मोटा कुछ भी कमी दिखाए तो यार गलत मतलब अपना भाई छोटा भाई समझ के माफ कर देना। बाकी मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन किसी और नए अनबॉक्सिंग में, तब तक के लिए गुड बाय।